हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 8 ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जहां पे आपको, जो स्टूडेंट बिहार से है उनको क्रेडिट कार्ड ऑप्शन अवेलेबल मिल जाएगा। इस लिस्ट में जो भी यूनिवर्सिटी है उनका प्राइस बहुत हाई नहीं है गाइस, यू नो, थोड़े लो फीस वाले यूनिवर्सिटी का मैंने लिस्ट बनाया है आप सबके लिए और जहाँ पे क्रेडिट कार्ड भी अवेलेबल मिल जाएगा आप लोगों को। तो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए मैं थोड़ा बता देती हूँ गाइस, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम का क्या होता है। तो इफ़ आप बिहार से हो, आपको यू नो फाइनेंशियली दिक्कत हो रही है पढ़ाई वगैरह करने में, आपको यू नो ऐसा हो रहा है, तो आप लोग बिहार सरकार से आप लोग अप टू 4 लाख तक का लोन आप लोग ले सकते हो और पढ़ाई हो जाने के बाद आप लोग वो चुका सकते हो। तो उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई है गाइस, आपको जानना है तो वहाँ पे यू नो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लेना। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टॉप 8 ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप लोग को क्रेडिट कार्ड ऑप्शन अवेलेबल मिलेगा, उसके अलावा आप लोग डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन से ऐसी यूनिवर्सिटी है और उनका फ़ीस कितना होगा। तो इफ़ आप लोग को जानना है आपके बजट के रेंज में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आती है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइस, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और आप लोग चैनल में नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब बटन भी दबा देना गाइस। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस लिस्ट में आप पहले नंबर पे है मारवाड़ी यूनिवर्सिटी। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, सब कुछ डिटेल वाले वीडियो भी बनाए हैं, फिर भी यहाँ पे मारवाड़ी यूनिवर्सिटी मैंने डाला है। तो आप लोग मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के यू नो में भी आप लोग यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर मैंने डाला है। सो गाइस, यहाँ का फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है। ये 5 सेमेस्टर का फ़ीस है। यहाँ पे आप लोग बीटेक में मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग रिलेटेड भी बहुत सारे कोर्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे और सिर्फ यू नो 50,000 से 60,000 के 5 सेमेस्टर आपको रेंज में आप लोग को मिल जाएंगे। तो यू नो आप लोग यहाँ पे फीस अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। और यहाँ पे हॉस्टल का भी मैंने प्रोवाइडेड किया है, पॉइंट स्केल्स का अलग अलग हॉस्टल है। तो इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलने वाली हूँ डिटेल में, आगे बढ़ के देखते हैं। और हमारे दूसरे नंबर में है रंगटा यूनिवर्सिटी। तो इसके भी 2 कैंपस है गाइस और यहाँ पर इनका फीस भी आप लोग देख सकते हो, यू नो फीस का आपका यहाँ और भी कम है। 38,000 5 सेमेस्टर फीस है जो कि बहुत 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 कम है। और आप लोग हॉस्टल में भी 4-seater, 3-seater, 2-seater रूम आप लोग बुक ले सकते हो अपने प्राइस के अकॉर्डिंग। तो 90,000 से आपका स्टार्ट हो जाएगा, 1 लाख ऊपर अकॉर्डिंगली यू नो आप लोग ऑफ कैंपस में रहना चाहते हो तो भी रह सकते हो, बहुत कम पे करना पड़ेगा यहाँ पे। तो तीसरा हमारा यूनिवर्सिटी है RIT रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसके बारे में भी आपने सुना ही होगा, NCC A+ है और NCC ग्रेट है। और उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैकेनिक यू नो BTech में बहुत सारे कोर्स यहाँ पे भी मिल जाएंगे, BTech में ME, EE, EC, सिविल, उसके अलावा यू नो CSE में AI ML और BTech CSE में AI ML लेटरल भी आप लोग को एंट्री यहाँ पे मिल सकती है। BTech CSE सब कुछ आपको मिल जाएगा। और इधर पे आप लोग, ये टोटल 4 ईयर का है, पर पर ईयर आप लोग को यू नो 1 लाख अप्रॉक्स या 1 से 1.5 लाख तक का आपका फीस जा सकता है। डिपेंड्स है आपने कौन सा कोर्स आपने चूज़ किया है और ये टोटल 4 ईयर का आपका कितना पे करना पड़ेगा, यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेटेड है। और हमारा 4th यूनिवर्सिटी है संदीप यूनिवर्सिटी, जो कि काफ़ी बड़ा यूनिवर्सिटी है, कैंपस काफ़ी बड़ा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। और यू नो कैंपस का एकर भी बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर सा कैंपस है। तो इसमें भी यू नो
गाइस आपको इतना ही पड़ेगा, 1.75 से 2 लाख अप्रॉक्स आपको फीस पे करना पड़ेगा। और कोर्स में आपको बीटेक में कुमला साइंस इंजीनियरिंग, सीएससी में स्पेशलाइजेशन भी मिल जाएगा, क्लाउड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके आप लोगों को बीटेक में ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा जो भी यूनिवर्सिटी हमने आगे देखा है उनके मुताबिक थोड़ा सा महंगा हो गया है, पर अकॉर्डिंग टू कैंपस साइज वगैरह आप लोग कंसिडर कर सकते हो। इफ़ आपके बजट में आ रहा है तो आप लोग देख सकते हो। और हमारे अगले यूनिवर्सिटी है नेहरू ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। कैंपस आप लोग देख सकते हो, बहुत क्यूट सा एक कैंपस है। और यहाँ पे भी ये भी 1968 का यूनिवर्सिटी है, तो आप लोग कह सकते हो काफ़ी वक्त हो गया है, पुराना यूनिवर्सिटी है। और 1.25 लाख पर ईयर फीस है सीएससी ब्रांच के लिए, तो फीस भी पर ईयर ठीक ही है, इतना ज़्यादा हाई फीस नहीं है। तो तमिलनाडु में आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोग ये यूनिवर्सिटी देख सकते हैं। उसके अलावा आरकार जैन यूनिवर्सिटी, इसके बारे में भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है गाइस। इफ़ आपको डिटेल जानना है, डीप में आपको जानना है, तो आप जाके देख सकते हो। ज़्यादातर मैंने सब यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है गाइस, फिर भी आप सबके लिए यहाँ पे मैंने सब यूनिवर्सिटी को एक ही वीडियो में मिला के आप सबके लिए यहाँ पे प्रोवाइडेड किया है। तो आरकार जैन में भी यहाँ पे सेमेस्टर वाइज फीस आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे ये बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग का फीस स्ट्रक्चर है, पर सेमेस्टर 65,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर से एट सेमेस्टर तक पे करना पड़ेगा। तो ये हो गया उनका फीस। और हमारे अगले यूनिवर्सिटी है SRM यूनिवर्सिटी, SRM का भी डिटेल वीडियो है, ज़रूर चेकआउट कर लेना। और SRM में आप लोग देख सकते हो बीटेक में आप लोग को कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर CSE विद स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, CSE विद स्पेशलाइजेशन डेटा साइंस, CSE विद स्पेशलाइजेशन साइबर सिक्योरिटी, और CSE विद स्पेशलाइजेशन क्लाउड कंप्यूटरिंग, CSE विद स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम्स करके आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फीस थोड़ी सी हाइट है, क्योंकि आप लोग को पर ईयर का 3.2 लाख जितना आपको पे करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हाइट है। पर यहाँ पे CSE डेटा साइंस में 2.2 लाख ही पे करना पड़ेगा, इतना ही पे करना पड़ेगा, 2.21 लाख। तो या गाइस ये है हमारा अगला यूनिवर्सिटी। और उसके अलावा ये अब हमारा आज के लिस्ट में लास्ट यूनिवर्सिटी है, जो कि सिलिकॉन सिटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स। यहाँ पे आपको ज़्यादातर बीकॉम, बीसीए सब कुछ आप लोग को मिल जाएगा, और काफ़ी कम प्राइस रेट में मिल जाएगा। तो सबके प्राइस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं आपको। फिर भी डाउट्स है, फिर भी कुछ जानना है एडमिशन के बारे में वगैरह वगैरह, मुझे कमेंट में आके पूछ सकते हो गाइस, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में जो भी फॉर्म प्रोवाइडेड किया है वहाँ पे जाके फिलअप कर देना, आपकी प्रॉपर काउंसलिंग होगी। और या बिल्कुल फ्री है, कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप गाइस आपके ज़्यादातर डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे, फिर भी डाउट्स है तो मुझे ज़रूर पूछ लेना गाइस। तो इतने में ही आज का वीडियो हम लोग रखते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बाकी के कौन से यूनिवर्सिटी के बारे में, कौन से कोर्स के बारे में आप लोग को वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। मिलते हैं आप सबको अगले ब्लॉग में, बाय बाय।